अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पहले वो लोग फिर से यहाँ पे आ जाए, हमारा हाथ खोलो विधि, विधि हमारा हाथ खोलो। खोल देंगे, लेकिन उससे पहले हमें सीए बुलाइए। ये क्या बचपना है इस वक्त? अभी ये सब बचपना है, क्यों नहीं होगा? आपको वो करना पड़ेगा जो हम आपको बोल रहे करने के लिए। क्या मुसीबत है सिया? ओके, अब तो हमारे हाथ खोलो। कौन है ये लोग? जब से यहाँ आए ना, तब से एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। धनी, हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है? कोई तो रास्ता होगा ना यहाँ से निकलने का, अभी देखकर ही आ रहे हैं। कितने मतलब ही हो यार तुम? देखो मेरे हाथ बंधे हुए, खुद के हाथ खुल गए तो जाके दरवाजा ढूंढ रहे हो। मेरे हाथ खोलो। जगह ही तो ढूंढने के थे निकलने के लिए, और क्या? हमने कहा हमारे हाथ खोलो। खोल रहे। खड़े क्या देख रहे हो? हमारे हाथ खोलो ताकि हम अपनी साड़ी वापस पहन सके। एक मिनट, कैसे? तुम्हें तो साड़ी बांधना आती नहीं है, और तुम्हारी ये साड़ी भी तो सुने ना काकी साले बनाई ना, तो फिर हाथ खोल के फायदा क्या? ये ना हमारा प्रॉब्लम है, तुम हमारे हाथ खोलो, उसके बाद हम देख लेंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अगर आप यहां से भागी और आपकी साड़ी खुल गई तो
हम अपनी मैम की इज्जत उतरते हुए कैसे देख सकते? नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं कर सकते। हाँ वैसे हमें आती है साड़ी बांधना, अगर आप बोले तो हम बांध दें। हम बांध ही देते। समझता है। अरे ये है कौन? हमें तो इस लड़की को अगवा करने का पैसा मिला था। इस लड़की को बचाने के लिए खुद मौत के मुंह में आ गया, मजबूरन से घर के लाना पड़ा। क्यों बे, हीरो बनने का तुझे बहुत शौक है कौन तू? फिलहाल तू अपना बुरा वक्त समझ ले। हमारा नाम अभीर सिंह तोमर है और जिस लड़की को तुम पकड़ के लाए हो ना, वो हमारी पत्नी है। बहुत शातिर समझती है अपने आप को सिया रघुवंशी। अरे इतनी चालाक होती तो फिर अगवा कैसे हो? निशांत उसके पूरे कमरे को छान लेते हैं। कुछ तो होगा इस लड़की के पास। शीशे में अपने आप को देखोगे या काम भी करोगे? नहीं, ढूंढ रहे। मिल गया। क्या मिला? मिल गया सबूत। मिल गया। ये डब्बा दिखाई दे रहा है हमें, किस तरह का डब्बा है? काकी सा, मोजरी बनाने का जो सामान होता है ना, उसमें रखने वाला डब्बा। मोजरी का सामान बनाने का डब्बा। चॉकलेट, जो चॉकलेट चुराएगा उसका मुंह काला हो जाएगा। लग जाएगा। क्या ढूंढ के लाया ये सबूत? हमारी समझ में ये नहीं आता कि आपकी माँ ने आपका नाम निशांत क्यों रखा। काकी साहब, ढूंढ लेंगे हम कुछ ना कुछ सबूत। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कोई पतिवती नहीं है मेरा, सेक्रेटरी है। इसका फैसला हम बाद में करेंगे। और तू बता, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें किडनैप करने की? तू जानता भी है कि हम है कौन? अरे तू तो बिन बुलाया बराती है, लेकिन तू यहाँ आई है ना, तो तेरी खातिरदारी करके यहाँ से भेजेंगे। ए, नजर रखो इस पे।
पूरा कमरा तो छान मारा हम दोनों ने मिलके ना, एक सबूत तक नहीं मिला ये साबित कर सके कि वो सिया नहीं विधि है। फोन आ रहा है, किडनैपर का फोन है। तो अब हमारी इजाजत लेके फिर फोन का जवाब दोगे? उठाओ ना। आ रहे हैं। हेलो, काम हो गया ना? लड़की तुम्हारे कब्जे में है ना? लड़की को तो उठा लिया, लेकिन साथ में एक लड़का भी है। अबीर तोमर नाम बता रहा है अपना। एक काम ढंग से नहीं होता। तुम लोगों से किससे पूछ के अबीर बना को तुमने किडनैप किया? किससे पूछ के? अबीर उनके कब्जे में क्यों है? स्पीकर पे डालो। सुनो, शायद तुम्हें एहसास नहीं है कि अबीर किसका बेटा है। अबीर हमारा बेटा है, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, समझे तुम? मैडम, हमारी गलती नहीं है, वो खुद हमारी गाड़ी में आकर बैठा है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना याद रखो, अगर अबीर को कुछ भी हुआ ना, याद रखना चौराहे में खड़ा करके खाल खिंचवा देंगे तुम्हारे। मैडम, कुछ सुनाई नहीं दे रहा ढंग से, आवाज कट रही है। आपके पंखे की कटकट की आवाज आ रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो हेलो मैडम, कटकट की आवाज आ रही है, पंखा बंद कीजिए। तुम फैन बंद करो। हाँ। और तुम अपने कान खोलो, छोड़ दो अभी के अभी अबीर को। बाकी सब क्या कर रही है आप? नहीं 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 नहीं, हम अबीर बना को नहीं छोड़ सकते। अरे अगर उसको छोड़ देंगे तो विधि को शक हो जाएगा कि हम महल से किसी ने साजिश रची है। ये देखो, सुनो 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 ध्यान से सुनो, किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। अजीब लोग हैं ये, मजाक चल रहा है। अरे अगर मजाक है तो मजाक की तरह लो, हमें छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दे मैडम, इतनी मुश्किल से इतनी अच्छी चीज मिली है, पहले थोड़ा चख तो ले, मतलब पैसों का स्वाद थोड़ा चख तो ले। और वैसे भी इतनी खूबसूरत लड़की का दीदार तो रोज रोज नहीं होता ना। ओए उबनकर, अगर एक शब्द भी अपने गंदे मुंह से निकालो तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। छोड़ छोड़ उसे। मेरा मुंह चाहे जैसा भी हो, लेकिन इनका मुंह ना बिल्कुल कयामत है। और वैसे भी मैडम ने कहा है कि तू सेक्रेटरी है, इनका पति नहीं है, तो तू अपने ये तेवर ना अपनी जेब में रख, समझा? तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है? अगर ये हमें खूबसूरत बोल रहा है तो है हम खूबसूरत, तारीफ कर रहा है तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? और तुम हमारी और तारीफ करो ना। होश हवास पे काबू तो कर लिया मैंने। तुम जैसे मवालियों को ना अच्छे से हैंडल करना आता है मुझे, अभी जैसे इसकी हालत की है ना, तुम सबकी कर दूंगी। अभी भी प्यार से बोल रही हूँ, हमारी प्यार की भाषा सुनो और हमें छोड़ दो। यहाँ से जाने के लिए एक सही कीमत देनी होगी, 20 करोड़ दो और चले जाओ। 20 करोड़? बस इतने से हम जान सकते कि इस मेहरबानी का कारण क्या है? काफी नुकसान उठाना पड़ रहा होगा ना आपको। वैसे हम पूछ सकते हैं कि आप इस लाइन में कितने टाइम से? 20 साल से। 20 साल से? लो, और अकल 20 पैसे की नहीं है। हमने कहा ना कि ये सारे पैसे तो आपको हमसे ही मिलेंगे। और आपने तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को ही कैद कर लिया। हमारे किसी नौकर वॉकर को आपने ऐसे कैद कर लिया होता तो हम कुछ कर सकते थे, फिर रौदी दे सकते थे। आपने तो अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली। और नहीं तो ठीक है, हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप एक काम कीजिए ना, हमारा फोन दे दीजिए, हम अपने मैनेजर को फोन करके आपके पैसों के इंतजाम करते हैं। ठीक है, लेकिन फोन तुम्हें नहीं, तुम्हारी सेक्रेटरी को देंगे। ए, छोड़ उसको। डायल करो 9-6। स्पीकर पर रख। हेलो डिपार्टमेंट पुलिस स्टेशन। हेलो हेलो, हम अबीर सिंह तोमर बोल रहे हैं। हमें अगवा कर लिया, प्लीज हमारी हम फोन की लोकेशन चेंज करके आप आ जाइए हमारे। तेरी हिम्मत कैसे हुई पुलिस को फोन लगा देगी? काका सा,
आज हमने पहली बार हमारे बच्चे के लिए शॉपिंग की है। इससे हमारी क्या गलती है? अरे अबीर बनने को क्या जरूरत थी हीरो बनकर जाके मुसीबत पे कूद जाए? क्या जरूरत थी उनको विधि को बचाने की? खबरदार निशान, जो हमारे बेटे के खिलाफ एक भी शब्द कहा तो इस विधि की अर्थी उठने से पहले ना तुम्हारी अर्थी उठवा देंगे। गलती तुम्हारी, हमारे बेटे की जान खतरे में पड़ सकती है। क्या अबीर की जान खतरे में? क्या क्या हुआ है अबीर को? नहीं नहीं बेटा, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई। हम ये कह रहे थे कि अबीर की जान को खतरा ऐसे हो सकता है क्योंकि लोगों की नजर लगती है ना, तो निशान जो है वो बहुत धार्मिक है। वो ये कह रहे थे कि वो देशलोक के मंदिर जाएंगे, बहुत मान्यता है ना उसकी, वहां जाके चढ़ावा चढ़ाएंगे ताकि अबीर पे कभी कोई खतरा ना हो। क्यों निशान? हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। फिर जाइए ना, आपको चढ़ावा चढ़ाना है ना। हम जा रहे, प्रसाद भी उठाना है रास्ते में चढ़ाने के लिए। और याद रखिए, ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं, ढूंढ लीजिएगा। हाँ भगवान को ढूंढने जाते हैं बिल्कुल। जी मैडम जी, ओ मैडम जी, ओ मैडम जी कहाँ है हमारी? उनका ना फोन नहीं मिल रहा, वो खुद भी नहीं, और वो सेक्रेटरी, उनको फोन किया था, वो उनके सेक्रेटरी ने फोन उठाया था। की ना उदा अबीर, हाँ वो भी गायब हो गया फोन उठा के। मैंने भी अबीर को कॉल करने की कोशिश की लेकिन उससे बात ही नहीं हुई। महोकुम सब कुछ ठीक तो है ना? क्योंकि अबीर अपना फोन कभी बंद नहीं करते। मैं एक मिनट कॉल करके पूछती हूँ उनको वापस। अवनी सब ठीक है? वो कॉल नहीं उठा रहे माहू को। जी मैडम जी, और तुसी ठंड रखो जी, फिक्र ना करो, वो बैटरी शैटरी डाय हो गई होगी, और वैसे भी तुसी माँ बनने वाले हो, अगर ऐसे पैनिक करोगे तो बच्चे पे क्या हाल होगा। तुसी काम करो, तुसी ना गहरी गहरी सांस लो जी, ऐसे रिलैक्स। ओ हीरो, डॉक्टर हो क्या? नहीं ना, अपनी बहू का ख्याल रखने के लिए हम हैं, और साथ में सुनैना जीजा भी है, और तुम सेक्रेटरी हो ना, सेक्रेटरी वाले काम करो और अपनी मैडम को ढूंढो। आओ जी मैं मैडम को ढूंढ के आता हूं। पता नहीं ये विधि कहां चली गई, कहां ढूंढूं उसे। खुद को 30 बार खान समझता है तू? अब देख कैसे तुम लोगों को खत्म करता हूं मैं, तेरी आंखों के सामने इस लड़की को मारूंगा मैं, मार इसको। चाकू निचरक बना, गोली मार देंगे। चल दूर हट, अब जरा भी पास आया ना तो इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। बंदूक नीचे। विधि को कुछ मत कर नाम कह रहे। क्यों बे, मुझे क्या बेवकूफ समझा है? जरा इस फूल से खेलो तो सही, जरा इस फूल को असलूं तो सही, और अगर तूने जरा भी होशियारी की तो इसकी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। गरजने वाले बादल बरसते नहीं है। अबीर अब गोली चलाइए, इनकी धमकियों से बिल्कुल मत डरना। अब बस गोली चलाइए, खड़ी खड़ी देख क्या रहे, गोलियां चलाइए। खड़ी खड़ी क्या देख रही, गोली चलाइए, गोली चलाइए। जब आपके हाथ पहली बार नहीं कांपे थे तो आप क्यों गोली चलाइए? Thank you.
पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पे आ सकती है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। लेकिन उससे पहले इस लड़की को पहले ठिकाने लगाना होगा। मुझ पे गोली चलाने की कह रही थी ना ये, सजा तो मिलके रहेगी। ले चलो इसे कमरे में बंद करो और जाके मिट्टी के कट्टे लेके आ और फांसी का फंदा तैयार कर। इस लड़की के मौत का इंतजाम करना है। इस लड़की को अलग कमरे में लेकर जाओ, बांधो इसको। चल छोड़ो, चल चल छोड़ो। अबीर उठिए, उठिए अबीर, अबीर बचाइए मुझे, मुझे फिर एक बार मत मरने दीजिए। लगता है सर सच में मैं आपसे दूर हो जाऊंगी, अलविदा बन्ना सर। विदीप, विदीप, विदीप।